है कि आप इसे देख के आपको शॉक के साथ साथ बहुत सारे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो, क्योंकि आप साफ तौर पर सीसीटीवी में आपको दिखाऊंगी और आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुराने पाक, जो कुराने कुरान शरीफ है, उसकी डिसरिस्पेक्ट की गई है। और मस्जिद है ये एसएमटी में और आउटस्कर्ट, श्रीनगर के आउटस्कर्ट इलाके में, जहां पर एक शख्स ने क्या किया, ये सुन के आपका दिल जरूर दहलेगा। और साथ ही साथ एक बेहद ही दुखद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि शायद ये कोई नहीं देख, इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक मस्जिद में किस तरह से एक शख्स आता है और जो रिलीजियस बुक है कुरान शरीफ, उसकी ये देखिए, ऐसे कुछ डिसरिस्पेक्ट किस क्वेश्चन तरह से देखिए करता है, ये सारा कुछ सीसीटीवी में कैद हो गया है। तस्वीरें सीधा इक्का आप शरीफ मस्जिद से आपस देख में रहे हैं, चित्रा और शरीफ साथ है ही और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आकिब इस लाइव में ज्वाइन किए हुए हैं हमारे साथ। उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या है पूरा मामला। सबसे पहले आपको सीसीटीवी दिखा रहे हैं और साथ ही आप देख सकते हैं ये शख्स किस तरह से मस्जिद के अंदर आता है और उसके बाद गंदगी मस्जिद के अंदर फेंकता है, और कुरान शरीफ जो रिलीजियस बुक है उसकी किस तरह से डिसरिस्पेक्ट करता है, जो हो सकता है बहुत सारे लोगों के रिलीजियस एम्पथी सेंटिमेंट मस्जिद को में हर्ट जाता कर है, दे। मैं तो ये और बहुत कह दुख के रहा साथ हूँ ये तस्वीरें आपको इसी दिखा के रहे आउटसाइड जा रहे मस्जिद हैं। में और जो मस्जिद कमेटी का कहना है कि रिलीजियस जल्द से सेक्टर जल्द के इस पास शख्स पहुंच की गया। आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि दीन क्या ये तुली जल्द मोहस पर हाँ ये पकड़ा तो जाए, है, क्योंकि इसने पूरी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को वो है हर्ट शुक्र है किया है। एक्चुअली और चला गए ना जो करंदर बंद चो द्राव नबर ساوی مسجد مز حظ یہ حمامس پہ ونکس ہمام سر ٹھیک یہ بیگ مزہ کڑا لفاف حظ لفاف لفاف دون لفافن من امس یہ گندگی گندگانس اتھ حظ یہ ترے حظ لفاف بوج اس یہ ترا حمامس مز یہ حظ حمام گج مز خزانس مز خزانس مز ٹھیک یہ بس کھول میں پتہ لفاف ترے نبر کنہ اچھا تے پتہ نہیں دماغ اس میں تو بوجھ چھیر کہ دوا وا یہ کہ ات وچ میں بوڑ پیشاب بے کران ٹھیک سے یہ ترو میں تو ڈیٹ وچ سے یہ کس ان دوہن چھ ایم ترو مت اس مس پیشاب یہ کوڑ اس آز اس ہے تن پیٹھ اسی آز اتھی آز آز تو تام اس اتھی میں ہوئی ڈیٹ آز ان فرائیڈے اس سازن دوہن اس بوڑ چھلا ایک لو بیشی اللہ تعالیٰ سن کرن اس مس اس کرنٹ لگا آز سور چھے وہ چاہیے یہ مسجد شریفس مز قرآن قرآن شریف شریفن آدھے کیا تلیم ترے قرآن شریف تلیم آتاس کیا کھولنا کیا دور بھی لگانیم آتماز ترے بھی قرآن بوچ شریف مز برار آتماز ام قرآن شریف تیتا ہمیں نیمی تیز तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कुराने पाक की बुक्स हैं उसको किस तरह से यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट किया गया है। और सीधा उसी मस्जिद का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आकिब हमारे साथ थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था इस मस्जिद में। और तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं मस्जिद से। तो चलिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सीधा मस्जिद से लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। आकिब बताइएगा क्या है पूरा मसला, आपने मस्जिद कमेटी से भी बातचीत की, क्या कुछ कहना था? बहुत ही हर्टिंग है ये, क्योंकि जिस तरह से कुराने पाक की बुक्स की हमने तस्वीरें देखी या फिर गंदगी मस्जिद में फैलाई गई, कौन है ये शख्स, कुछ पता चल पाया है अभी तक? देखिए प्रियंका, ये श्रीनगर का आउटस्कर्ट्स इलाका एचएमटी है और आपको बताया कि ये श्रीनगर का डार मोहल्ला है और ये जो मस्जिद है अभी मैं मौजूद हूँ, ये डार मोहल्ला की मस्जिद है। और अभी कुछ देर पहले मुझे बहुत सारी कॉल्स आए हैं, कहा गया है कि यहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो जब जो सीसीटीवी फुटेज है आपने देख लिया और हमारे नाजरीन ने अभी जो सीसीटीवी फुटेज देख लिया, कैसे एक शख्स जो है वो इस दरवाजे से जो है अंदर आता है और उसके बाद जो है जब इस दरवाजे से वो अंदर आता है तो यहाँ पे जो जो पानी को स्टोर किया जाता है इस खिड़की को वो खोलता है। ये आप देख लीजिए कि
इस खिड़की को वो खोलता है, उसके बाद जो है इसमें जो है जो लेटरिंग की जो गंदगी है वो इसमें फेंकता है, और उसके बाद जो है इस वॉशरूम में वो जाता है और जो अपने हाथ है वो धो लेता है, और उसके बाद यहाँ पे ये आप दरवाजा देख सकते हैं, यहाँ पे ये दरवाजा वो खोलता है और उसके बाद सीधे वो प्रवेश होता है मस्जिद शरीफ में, जहाँ पे नमाज अदा की जाती है, और ये मस्जिद शरीफ है और यहाँ पे कुरान बहुत सारे है जो स्टॉल लगा हुआ है कुरान शरीफ का, और यहाँ पे वो 3 कुरान शरीफ उठाता है, और उसके बाद 3 कुरान शरीफ उठाने के बाद वो सीधे जो है वापस जाता है वहीं पे जहाँ पे उसने वो गंदगी फेंकी थी। मैं आपको तस्वीरों में दिखा सकता हूँ कि कैसे ये वाक्य पेश आया। उसके बाद इसी दरवाजे से वो वापस निकलता है, और वापस निकलने के बाद यहाँ पे वो 3 कुरान शरीफ वो फेंकता है। लेकिन प्रियंका ये बात है कि 23rd of October को ये वाक्य पेश आया है, आज 7 दिन हो गए हैं, और आज जो है फ्राइडे की नमाज होती है, और इस फ्राइडे की नमाज में वादी कश्मीर में बहुत सारी जो जामिया मस्जिद होते हैं वहां पे ये नमाज अदा की जाती है, तो वैसे ही आज भी है, तो इस दिन को जब सुबह मस्जिद में आते तो सफाई की जाती है, तो वही सफाई करने के लिए यहाँ की जो इंतजामिया कमेटी है वो सफाई करने के लिए आई थी, और उन्होंने जब यहाँ पे देखा कि कुछ गंदगी एक अलग तरीके की बू आ रही थी, तो इन्होंने जब देखा तो वहां पे इन्होंने गंदगी देखी है और 3 कुरान शरीफ देखे हैं जो इस गंदगी के ऊपर फेंके गए थे। तो जब मैंने यहाँ की कमेटी से बात की है तो इन्होंने मुझे जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई, जो आपने आपने अभी नाजरीन को दिखाई है, कैसे एक शख्स जो है स्पेक्स लगा के एक लगभग उसकी उम्र जो है 30 साल की होगी, वो एक गेट से एंटर होता है, उसके बाद जो है गंदगी उसके एक बैग में होती है, पॉलिथीन में होती है, उसके बाद वो जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है वहां पे फेंकता है, और उसके बाद 3 कुरान शरीफ जो है उठाता है और उसके बाद वो उसी में फेंकता है, और आज इंतजामिया कमेटी जो है वो यहाँ पे मौजूद थी और उन्होंने वो 3 कुरान शरीफ उठाए वहां से, और वो 3 कुरान शरीफ जो है मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। उनकी अभी हालत क्या है वो आप देख सकते हैं, ये 3 कुरान शरीफ है। ये क्या मेरी आवाज आप आ रही है? ये आप कुरान शरीफ देख सकते हैं कि क्या हालत हुई है इन कुरान शरीफ की, और ये वो मेन एरिया है जहां पे ये वाकया पेश आया है। आप ये विजुअल्स में देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ये पूरा एरिया जो है सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है, और इसी मस्जिद को जो है इसी मस्जिद में ये वाकया पेश आया, और ये श्रीनगर की आउटस्कर्ट्स जो मस्जिद है वहां पे ये वाकया पेश आया है। मैं पूरा आपको दिखा नहीं सकूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मतलब कॉन्फिडेंशियल होता है, तो लेकिन ये कुरान शरीफ एक स्टॉल रहता है यहाँ पे, जब सुबह बच्चे जो है दरसगाह पढ़ने के लिए आते हैं तो यहाँ पे वो दरसगाह पढ़ते हैं और ये कुरान शरीफ पढ़ते हैं। लेकिन ये जो शख्स है, जिस शख्स ने ये गलती की है, 3 कुरान शरीफ यहाँ से उठाए और उसके बाद जो है जो यहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है मस्जिद में, तो वहां पे ये गंदगी फेंकी है और उसके बाद कुरान शरीफ इसमें फेंके, और यहाँ ये जो पूरा जो मामला है ये सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। और अभी इससे पहले जो हमने आपको ये सीसी कैमरा जो फुटेज है वो दिखाई, कैसे एक शख्स जो है लगभग 30 साल की उम्र होगी इसकी मस्जिद में एंटर होता है, और उसके बाद मस्जिद के बाद क्या गंदगी फेंकता है और उसके बाद कुरान शरीफ फेंकता है, और आज इंतजामिया कमेटी जब सफाई करने के लिए आई तो उन्होंने कुछ और ही हाल यहाँ पे देखा है, और गंदगी थी और बू आ रही थी बहुत सारी, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे 5 टाइम नमाज होते हैं। मैं आपको बताऊं क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा क्लियर करना है, क्योंकि आज फ्राइडे है तो आज ही के दिन रोज यहाँ पे 5 टाइम की नमाज होती है, तो उतनी बदबू नहीं थी, रोज आते थे और यहाँ पे जो वजू वगैरह होता है वो किया है, लेकिन आज जो है गंदगी बहुत सारी थी यहाँ पे। अब जो है यहाँ की इंतजामिया कमेटी ने जब सुबह जो है सफाई की तो यहाँ पे कुछ और ही हाल देखा। अब यहाँ की इंतजामिया का यही कहना है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इस शख्स को पहचानिए, आप कौन है शख्स, किसने ये गलती की है, कौन जो है आया है उसके बाद गंदगी फेंकी, क्या उसका मकसद था, ये इस पे भी हम टिप्पणी नहीं कर सकते कि उसका मकसद क्या था, क्यों उसने ये किया, लेकिन जो भी किया है बहुत गलत किया है, क्योंकि अब मैं आपको बताते चलूं कि ये कुरान शरीफ जो है वो एक सेक्रेट बुक है, एक होली बुक है, उसके साथ ऐसा खिलवाड़ करना ये नाकाबिल बर्दाश्त है,
और ये जो गंदगी मस्जिद में फेंकना, ये भी नाकाबिले बर्दाश्त है। जी प्रियंका, जी आकिब, जिस तरह से अगर बात करें, बहुत बड़ी बात है ये। और जो भी व्यूअर्स इस टाइम हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत गम और गुस्सा उनके मन में देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स इससे हर्ट हुए हैं। जाहिर तौर पर कुरान शरीफ की जो किताबें हैं उनके साथ क्या हुआ और गंदगी कैसे मस्जिद में डाली गई, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे काफी ज्यादा जो लोग हैं गुस्से में हैं। उनका कहना है कि जिसने भी ये किया है जल्द उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो आखिर में मस्जिद कमेटी की तरफ से क्या कुछ अपील आप आवाम से करेंगे ताकि इस शख्स को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए, पकड़ा जाए और उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। देखिए प्रियंका, जैसे कि आपने कहा कि सजा की बात, वो तो कानून जानता है कि इसके ऊपर क्या सजा लगी, लेकिन जो भी इसने यहाँ पे किया है, एक सेक्ट को इसने हर्ट किया है, एक रिलीजियस सेंटिमेंट, लोगों के जो सेंटिमेंट से उसको हर्ट किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि होली बुक है, सेक्रेट बुक है कुरान शरीफ, उसके साथ ऐसी मतलब बदतमीजी करना, इस शख्स ने जो बदतमीजी की है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। और चाहे किसी भी सेक्ट की कोई भी बुक, जो होली बुक है, उसके साथ कोई ऐसी जाति करेगा तो वो नाकाबिल बर्दाश्त है। और उसके बाद जो है गंदगी फेंकी गई है मस्जिद में, उस गंदगी के ऊपर जो है कुरान शरीफ फेंका गया है, तो वो काफी नाकाबिल बर्दाश्त है। और इंतजामिया क्या कहना है कि अगर ऐसी चीज, अगर इन्होंने ऐसी चीज की है, तो ये जो शख्स है जो सीसीटीवी में वाजिया तौर क्लियरली दिखता है कि कैसे वो एंटर होता है, और उसके बाद जो है वो मस्जिद में दाखिल होता है, दाखिल होने के बाद वो कैसे यहाँ पे ये जो हरकतें करता है, वो देखने वाली चीज है और वो सोचने वाली चीज है। और कब तक जो है जम्मू कश्मीर पुलिस इस पे कार्रवाई करेगा, ये भी एक सवाल है जम्मू कश्मीर पुलिस पे। और कब तक इस जो यहाँ पे वाकया पेश आया, कब तक इस पे कार्रवाई होगी, ये जम्मू कश्मीर पुलिस पे एक सवालिया निशान है। जी प्रियंका, पुलिस की बात करें, पुलिस को कंप्लेन दर्ज की गई है, अब उनकी तरफ से क्या कहा गया है, क्योंकि अगर बाहर की शॉप्स की सीसीटीवी भी देखें तो कहीं ना कहीं ये शख्स क्लियर आया होगा और जल्द से जल्द पकड़ा जा सकता है। पुलिस की तरफ से क्या कहना है इस हवाले से? देखिए प्रियंका, अभी ये मामला पेश आया है, जैसे इन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की है तो उसके बाद जो है ये मामला पेश आया, और तुरंत मैं इस स्पॉट पे पहुंचा हूं। अभी इन्होंने कोई भी ऐसी जो चाहे पुलिस हो या बाकी सीसीटीवी फुटेज, जो मस्जिद के बाहर जो सीसीटीवी फुटेज है वो इन्होंने नहीं देखी, लेकिन अभी जैसे ही ये वाकया पेश आया है तो मैं तुरंत इस स्पॉट पे पहुंचा, और उसके बाद मैंने जो है ये सारे जो मामले हैं वो मैंने अपने कैमरा में कैद किए हैं और नाजरीन को दिखाया है। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन और यहाँ के जो मस्जिद इंतजाम है वो भी इसमें देखेगी कि कैसे ये वाकया पेश है, जो बाकी जो बाहर के जो कैमराज हैं वो भी अब यहाँ की इंतजामिया जो है वो देखेगी, कैसे ये शख्स जो है कहाँ से आ गया, क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि इसमें उतना क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ की जो मस्जिद इंतजामिया है पिछले कई सालों से एक नज्म को चलाते हैं, और क्योंकि यहाँ पे हजारों की तादाद में नमाज होती है और यहाँ पे लोग आते हैं बहुत दूर दराज इलाकों से नमाज पढ़ने के लिए, तो अब इंतजामिया जो है वो इस पे इन्वेस्टिगेट करेगी, और बाहर के जो कैमराज है सीसी कैमराज, चाहे पुलिस की बात करें पुलिस भी इसमें इन्वेस्टिगेट करेगा, या बाकी जो लोकल मस्जिद कमेटी है वो भी इसमें इन्वेस्टिगेट करेगा, कहाँ से ये शख्स आया, कैसे ये मस्जिद में दाखिल हो गया, कैसे कहाँ से इसने ये गंदगी लाई है, बैग में कैसे भरी है, और उसके बाद मस्जिद में कैसे इसने दाखिल किए। तो ये अब इन्वेस्टिगेशन जैसी ही होगी तो उसमें ये पूरा मामला जो है सामने आएगा। जी प्रियंका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकिब मस्जिद से ज्वाइन करने के लिए। और मस्जिद से लाइव आकिब तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां पर ये काम किया गया है जो बहुत सारे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, और उम्मीद है जल्द ही आइडेंटिफाई होगा। और आवाम से भी अपील है कि जल्द आइडेंटिफाई करने में मदद करे ताकि इस पर कार्रवाई हो सके। फिलहाल दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप ही की वजह से 2019 से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं कैसे हो रहा है तो ऊपर इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और जानिए कि ये नेक काम आपकी वजह से कैसे हो रहा है। शुक्रिया दोस्तों।